एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 है हम लोग के पास और इसको सॉल्व करना है। तो इसमें क्या दिया हुआ है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लीकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन के रूप में कुछ इक्वेशन दिया हुआ है, उसको वो किस प्रॉपर्टी में लिखा हुआ है उसका नाम लिखने के लिए कह रहा है। तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई हुआ है तो इसका नाम हो जाता है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। किसी भी नंबर को हम 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आएगा, 1 को चाहे हम बाद में रखें या पहले रखें वही नंबर आएगा। तो इस प्रॉपर्टी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। और यहाँ पे a इंटू बी और b इंटू ए, इस तरह का प्रॉपर्टी जो होता है उसको बोलते हैं कमोटेटिव प्रॉपर्टी। और अभी मैंने क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे कि बताया कि इसको हम किससे मल्टीप्लाई कर दें कि हमारा वैल्यू जो है 1 आ जाए, तो यहाँ पे वैसा ही हो रहा था। तो यहाँ भी इसको मल्टीप्लाई किया गया है इससे और इसका वैल्यू 1 आ गया है। तो जब मल्टीप्लाई करके वैल्यू 1 आ जाए तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, इस तरह से है। चलिए इसका नाम लिख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 का यहाँ पे तीनों पार्ट दिया हुआ है, 1 से मल्टीप्लाई होने पर वो मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी हो जाता है, उसका वैल्यू सेम होता है 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। यहाँ पे हमने लिख लिया है मल्टीप्लीकेटिव आइडेंटिटी। 2 नंबर में यहाँ पे किस तरह से दिया हुआ है, ए इस तरह से दिया हुआ है, ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए। तो इस तरह का प्रॉपर्टी जो है हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, इसको कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। जो इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो है आप उसमें देख सकते हैं, सारा डिटेल मैंने उसे बतलाया हुआ है। मैं उस वीडियो का लिंक इसमें इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख सकते हैं। तो यहां पे हम लोग लिख लेते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। तो यहां पे मैंने लिख दिया है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, यही इसका आंसर हो जाएगा। और यहां पे 3rd नंबर में किसी भी नंबर को हम ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करें जिसका आंसर 0 आंसर 1 आ जाए तो उसको मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स कहते हैं। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स, यहाँ पे मैंने लिख दिया है मल्टीप्लीकेटिव इन्वर्स और यही इसका आंसर हो जाएगा। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे कंप्लीट हो जा रहा है, हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे।